जल्दी 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 ठाकुर घबरा से चंडी ठाकुर आज आजा बेटा जल्दी खाओ जल्दी खाऊ तुम्हें तगड़ा साधु बनाएंगे बारह साधु साधु बनाएंगे इतना ताड़ू बनाएंगे जिंदगी बेटा क्या फोटो लेडियो बना बारह वीडियो

ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से निकल कर आई है जिसमें चार साधु ढोंगी बाबाओं ने एक पर्टिकुलर पर्सन को फंसाया और ये समाधि का पूरा ड्रामा क्रिएट किया यहाँ पर इस समाधि के ड्रामे में इस इंसान को जो है ये लगभग सात से आठ फीट गहरे गड्ढे में दफनाने की बात की जा रही थी और बोला कि अगर तुम समाधि लोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी वो तो भला उस इंसान का जिसने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इस इंसान की जो है वो जान बच गई माना यह जा रहा है कि बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार था लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो इसके चलते ये साधु बाबाओं के चक्कर में आ गया अक्सर हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा होता है हम लोग साधु बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं तब ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं रियलिटी यहाँ पर यह है कि ये जो साधु बाबा होते हैं ये बस अपनी जेब गर्म करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है ये उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो रियलिटी में अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो इरीटेट हो और ये इसीलिए ऐसी जब यहाँ पर हरकतें सोसाइटी में देखने को मिलती है तो फिर इंसान आता है एक इंसान की ड्यूटी आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसकी जो कि रियलिटी में एक जागरूक इंसान है क्या ये चीज़ें सही हैं आज के टाइम पर अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि क्या हमारे देश में समाधि लेना ये अलाउ है तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो संविधान के अंदर जब आप लोग पार्ट थर्ड में जाएंगे तो वहां पर संविधान में फंडामेंटल राइट हैं जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में तो बात करता है पर राइट टू डाई के बारे में वहां पर बात नहीं की गई है यानी कि कोई भी इंसान जो है वो किसी की समाधि या फिर कोई ऐसी तरीके से किसी की जान नहीं ले सकता है अगर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो वो कानूनन अपराध है ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू यहां पर यह है कि अगर किसी की जान लेनी भी है तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ले जाएगी जो कि हमारी कंट्री में कानून बनाया गया है यानी किसी ने किसी का रेप किया मर्डर किया तो पहले एक केस चलेगा कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको डेथ पेनल्टी देनी है या क्या करना है उस प्रोसीजर के थ्रू जान ली जा सकती है ऐसे कोई किसी की जान नहीं ले सकता है और समाधि का तो कॉन्सेप्ट भी यार बड़ा प्योर है अगर आप लोग बात करो ऐसे इंसान जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसकी बेसिकली पर्टिकुलर याद में वहाँ पर नॉर्मली समाधि बनाई जाती है और यहाँ पर ये जो इस तरीके की एक्टिविटी सोसाइटी में देखने को मिलती है कहीं ना कहीं ये हम लोगों के डर का फायदा उठाते हैं आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी कि जब इंसान के अंदर का डर बढ़ जाता है तभी वो इस तरीके की जगह पर जाता है और कहीं ना कहीं ये जो डर है उस डर का फिर इस तरीके के लोग जो है वो फायदा उठाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं इस तरीके के लोग आप लोगों को हर एक रिलीजन में देखने को मिल जाएंगे ऐसा नहीं कि यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन की बात की जा रही है हर धर्म में इस तरीके के ठेकेदार आप लोगों को मिलेंगे जो कि लोगों के डर का फायदा उठाते हुए आप लोगों को पाएंगे तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए आई होप की जिंदगी में आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहोगे और दूसरे लोग भी अगर कोई ऐसी चीजें करते हैं तो उससे भी डिस्टेंस बना के रखोगे और ये जो पॉइंट है ये जरूर याद रखिएगा एक क्वेश्चन आप लोगों से एथिक्स का भी यहाँ से बन सकता है कि आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एज ए आई या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है और आप लोगों के एरिया में कोई ऐसी दुर्घटना घटती हुई पाई जाती है तो आप लोग क्या करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर अवेयरनेस क्योंकि लोग जितने जागरूक रहेंगे वो इन चीज़ों से जो है वो डिस्टेंस बना के रखेंगे ठीक है दोस्तों ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कास्ट क्या है यस या ये फिर नो लिखेगा अपनी कास्ट मत लिखेगा यस या ये फिर नो शायद ही कोई ऐसा मेंबर होगा आज के डेट में इंडिया के अंदर में जो अपनी कास्ट के बारे में न जानता होगा जब हर एक इंसान अपनी कास्ट के बारे में जानता है तो क्या कास्ट के बेस पर जनगणना होनी चाहिए इसमें आप लोगी क्या रहे हैं हमारे देश में इसको लेकर क्या मुद्दा चल रहा है बिहार सरकार का क्या मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को सुनने वाला है अट्ठारह अगस्त को तो यहां पर यानी कि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मुद्दे को देखेगा आखिर ये पूरा मुद्दा चला हुआ क्या आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट क्यों यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अड़ जाते है कि बिहार गवर्नमेंट जो है इस सेंसस को कंडक्ट नहीं करा सकती यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं जिसको मैं बहुत ही तसल्ली में बहुत ही आसान शब्दों में एक एक करकर कर डिस्कस करता हुआ चलता हूं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसस के बारे में जिसको आप लोग जनगणना बोलते हो जनगणना हमारे देश में हर दस साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है जैसे आखिरी वाली जनगणना जो थी वो दो में कंडक्ट कराई गई थी अब नेक्स्ट वाली जनगणना जो है वो 2021 में कंडक्ट कराई जानी थी पर लेकिन आप लोगों को पता है कोविड 19 की महामारी ने सारी चीजों पर पानी फेर दिया तो अभी इसका डेटा कलेक्शन जो है वो चल रहा है और आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि 2024-25 तक लगभग ये इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा चलिए वो तो जब भी होगा वो एक अलग बात है इसी बीच में एक मुद्दा उठकर ये आता है कि क्यों ना हम लोग कास्ट बेस सेंसिस भी कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दें यानी कि जैसे कि अगर पता चले कि सोसाइटी में कौन सी कास्ट है इस कास्ट में कितने लोग हैं तो क्यों ना इसका डेटा भी हमारे पास में हो और ये जनता के लिए पब्लिक किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं यानी कि जैसे कि अगर बात करें इसके पॉजिटिव चीजें भी हैं और इसकी नेगेटिव चीजें भी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें क्या क्या हैं अगर आप लोगों से डायरेक्ट सिंपल शब्दों में बताया जाए अगर पता चल जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर कास्ट है भाई साहब ये पर्टिकुलर रीजन में ये कास्ट कम्युनिटी रहती है तो बिहार सरकार का ये मानना है कि यार उसके लिए हम लोग प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं पॉलिसी बनाने के बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये कास्ट इतनी है तो उनके लिए प्रॉपर स्टेप उठाए जा सकते हैं उनके कास्ट की जनगणना के बेस पर पर लेकिन इसके अगर दूसरी साइड में आप लोग जाओगे ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में कास्ट को लेकर जो है इतना ज्यादा डिविजन देखने को मिल रहा है अगर उस चीज को हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं तो हम लोग यूनाइटेड होने के बजाय और ज्यादा और फ्रेगमेंटेड और ये कास्ट जैसी चीज़ जो है और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी आज के डेट में भी आप लोग देखो अगर शादी विवाह के बारे में बात आते हैं तो घर वाले सबसे पहले ये बोलते हैं अगर एक बार को लव मैरिज के लिए मान भी जाए कि अपनी कास्ट से बाहर मत चले जाना ठीक है <laughs> पहले तो लव मैरिज के लिए नहीं मानते हैं और अगर लव मैरिज के लिए मान भी जाए तो कुछ भी कर लेना कास्ट के बाहर पैर मत रख देना वरना पैर काट के गले में डाल दिए जाएंगे ये नॉर्मली मतलब एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपनी कास्ट और रिलीजन के बाहर चले गए तो भाई साहब अलग ही कोहराम मच गया अगर ये चीजें इस तरीके से हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर देते तो ये मानते हैं कि ये चीजें और ज्यादा गहरा जाएगी समाज में और और ज्यादा समाज को डिवाइड करती हुई नजर आएंगी ये तो कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि एक अलग बात हो गई जो कि नॉर्मली कई बार डिबेट और डिस्कशन किया जाता है जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आप लोग ध्यान से सुनिए यहां पर जब बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब हम अपना कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट करेंगे यानी कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे यहां पर कौन कौन सी कास्ट है उनकी जनगणना करेंगे और ये डेटा जो है ये सबके सामने लेकर आएंगे तो यहां पर जैसे इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया अभी रिसेंटली यहां पर इसको दो फेज में इन्होंने करना था तो यहां पर इनके द्वारा ये डिसीजन भी लिया गया था बिहार के अंदर में इसके लिए नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया था लगभग लास्ट ईयर जून छः के आसपास में तो इन्होंने बोला कि हम लोग ये सेंसस कंडक्ट कराना स्टार्ट करेंगे जैसे इनका ये डिसीजन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट छंगलांग मारकर सामने आ जाती है कि तुमको ये काम करने की पावर किसने दी यानी कि आखिर के इनके पास में अपने राज्य के अंदर में कितने लोग किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के रहते हैं ये चेक करने की भी पावर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है नहीं है रीजन क्या है रीजन यहां पर यह सेंट्रल गवर्नमेंट का यह दावा है कि सेंसस एक्ट जो है हमारे देश के अंदर में जो कि 1948 का है ये जो पर्टिकुलर कानून है इसके अंदर में एक सेक्शन है सेक्शन थ्री तो इसका जो सेक्शन थ्री है जो पर्टिकुलर इस सेंसस जनगणना एक्ट उन्नीस वाले का ये बात करता है कि बिना सेंटर की परमिशन के स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता और अगर ये उठा रहा है तो ये है इस कानून का हनन कर रहा है ये यहां पर इसके द्वारा बोला गया एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बात बोलेगी ठीक है दूसरी बात अभी बताऊंगा पहले से पहले यहां पर बात करते हैं यहां पर कई सारे लोग जो है इसको लेकर जो है हाई कोर्ट के अंदर में चले गए यानी कि इस डिसीजन को अपोज करने के लिए क्योंकि बिहार की बात की जा रही है तो पटना हाई कोर्ट के अंदर में चले गए पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही सही तरीके से कई सारी बातें सामने रखी उसने ये बोला कि आज की डेट में जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई आ गई है यहाँ पर तो अगर वो कोई ऐसा सेंसस कंडक्ट कराती है ऐसी कोई जनगणना कराती है तो इसमें गलत क्या है क्योंकि उसी को तो हक है कि पॉलिसी बनाने का तो पॉलिसी बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में काफी ज्यादा फायदा रहेगा ठीक है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है अगर कानून बनाएंगे यहां पर कोई ऐसी जनगणना करेंगे तो हम करेंगे और वो जनगणना तुम फॉलो करना तो राज्य ने ये बोला कि भाई साहब आपका वेट करते करते हमारा गला सूख गया आपने तो की नहीं और 2011 में आप लोगों ने की भी थी तो आप लोगों ने पब्लिक नहीं की तो अब हम लोग अपने आप करेंगे ऐसा नहीं है हुई नहीं है 2011 में हुई थी पर पब्लिक नहीं की वो क्योंकि उसकी वजह से समाज में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो जाता है क्योंकि कौन सी कास्ट बढ़ रही है कौन सी घट रही है क्या चार इस कास्ट के लोग तो बढ़ते जा रहे हैं इस कास्ट के लोग घटते जा रहे हैं उन्हें एक तरीके से अजीब सा माहौल बन जाता है पर लेकिन मुद्दा मुद्दा यहां पर यह कि हाई कोर्ट ने यह बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कब तक वेट करेंगे ये बताओ ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट जब अब तक लेकर नहीं आई इतने दिनों से इस पर्टिकुलर जनगणना को और अभी भी इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोरिटी है कि वो ये काम स्टार्ट कर सकती है तो हाई कोर्ट ने दो बातें बोली पहली बात तो हाई कोर्ट ने यहां पर जो सीधा सीधा ये बोला कि पॉलिसी मैटर में स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कब तक इंतजार करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इस, इस चीज को लेकर आगे चल सकती है ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई इस मुद्दे को लेकर कि आज की डेट में पटना हाई कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर रोक नहीं लगाई अब आप लोग इसके ऊपर डिसीजन दीजिए क्योंकि ये हमारे एरिया का काम है ये स्टेट गवर्नमेंट के एरिया का काम नहीं है इसी मुद्दे को 18 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को यहां पर सुनने वाला है इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो थोड़ी सी और ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों के माइंड में क्रिएट करेंगे जैसे अगर बात करें आज की डेट में यहां पर बिहार गवर्नमेंट या फिर और लोग क्या बोलते हैं यहां पर उनका मुद्दा क्या है हमारे देश के अंदर में एक जजमेंट आया था जिसको बोलते थे इंदिरा सहनी जजमेंट इंदिरा सहनी जजमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा ये नाइनटीन का जजमेंट आया था

कि ओबीसी की पॉपुलेशन जो है वो बावन प्रतिशत हमारी बेसिकली देश के अंदर में देखने को मिलती है जब ये डेटा ऑलरेडी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली माना गया है तो फिर कास्ट बेस्ड सेंसस कराने में क्या दिक्कत है तो ये बात निकल कर आती है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि या तो ये काम हम करेंगे और यहां पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो गलत है क्यों क्योंकि केस पुत्ता स्वामी केस के हिसाब से प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट right है और आर्टिकल ट्वेंटी वन ए का जो है आर्टिकल ट्वेंटी वन का हनन कर रही है ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा चुका है दो हजार सत्रह में जजमेंट आया था ये कि भाई साहब क्या प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है जी हाँ प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और इसको पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट right बना दिया आर्टिकल इक्कीस के तहत में क्यों क्योंकि यहां पर राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं और जहां लाइफ होगी वहां प्राइवेसी होगी हर एक इंसान की इंडिविजुअल प्राइवेसी है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी को बताना चाहिए तो मैं बता सकता हूं अगर नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं बताना चाहिए तो मैं नहीं बता सकता हूं तो ये मेरी प्राइवेसी है किसी को कितना अपनी जिंदगी में मुझे झांकने देना है आप लोगों की भी ऐसी प्राइवेसी है कि आप लोग कितनी किस इंसान को अपनी जिंदगी में कितना एंटर करने देना है तो ये सारे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोले कि तो प्राइवेसी का फनन हो रहा है यहां पर तो हाई कोर्ट ने ये बात साफ साफ साइड में कर दी कि यहां पर ऐसा कोई मुद्दा है नहीं ऑलरेडी तुम्हारे जजमेंट आ चुके हैं बेसिकली ये मंडल कमीशन की बात आप लोग कर लो और यहां पर इंदिरासानी जजमेंट की बात कर लो

क्योंकि उससे पहले अगर कोई ऐसा मुद्दा ऐसा जनगणना सामने निकल कर आती है तो समाज में इससे काफी ज्यादा डिविजन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट भी यहां पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है ठीक है तो यहां पर ये यह याद रखिएगा यानी कि काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तो ये चीजें आप लोगों के सामने यहां पर बेसिकली की जा रही है ठीक है तो यानी कि कहने का मतलब यह कि खेल जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वहां एक तरीके से इस पूरे डिसीजन को देखेंगे और तब जाकर यह मुद्दा सामने निकल कर आएगा इंटरेस्टिंग चीज क्या है बिहार के अंदर में में जो आज में सरकार है उसने भी पहले यहां पर कास्ट बेस्ड सेंसस को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया पर जैसे ही उनका गठबंधन जो है प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की है उनसे उसका गठबंधन टूटा तो उन्होंने यहां पर बोला कि इसको हम लोग लेकर चलेंगे तो यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि एक पोलिटिकल गेम भी आज की डेट में हो चुका है चलिए ये तो हमारे काम का नहीं है ये पॉलिटिकल गेम है क्या है पर जो कहानी मैंने सारी आप लोगों को बताई है ये बहुत हमारे काम की है इससे काफी कुछ आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक बेस बेसिक चीज बताने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा एस एलवी पीडिया जो आप लोगों का टेलीग्राम है यहां पर जाना सर्च करना कास्ट ठीक है तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में पूरा नोट्स आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कर रखे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए आप लोगों को कास्ट बेस्ट सेंसस के बारे में ठीक है तो अगर आप लोग कुछ लिखने के बारे में बात करें तो एक अच्छा सा डेटा आप लोगों के पास में कि पहली बार 2011 में कंडक्ट कराया गया अगर बात करें नाइनटीन के बाद में पहले हल्का सा यहाँ पर भी देखने को मिला था ये ठीक है तब से यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं तो एक अच्छा डेटा आप लोगों के पास में यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं ओके तो ये आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च कर रहे जो भी आप लोगों को डाउट होता है यहाँ पर टीम जो है लगी हुई है टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें अपडेट कर रही है अच्छी बात क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को यहां पर चीज देखने को मिल जाती है और ये टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइन करने के कोई भी फी आप लोगों को नहीं देनी है जैसे आंसर राइटिंग और वो जो दूसरे नोट्स वाले हैं वो एक अलग चीज है पर लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम इसके लिए कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है लगभग पचास हजार से ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हुए और इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि टीम यहां पर अच्छी अच्छी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो आप लोगों के लिए अपडेट करती रहती है जैसे संग्रीला डायलॉग ये कल ही अपडेट किया गया यहां पर इसी के साथ में माया ओएस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो नया भी लेकर आए हैं इसी के साथ में मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को यहां पर मिलती रहती है ठीक है तो इसको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं आप लोग मान लीजिए कहीं एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम एग्जाम देने जा रहे हैं अपना कुछ लेके नहीं जाना है वहाँ पे नॉर्मली तो इसको आप लोग बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप लोग के माइंड में डाउट आ रहे हैं इसी के साथ में आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं किताबें नहीं आपके पास है बस मोबाइल है फटाफट बैठ कर कुछ भी चीजें आप, हाँ आप लोग यहां पर सर्च कर ये चलता फिरता विकीपीडिया तैयार हो रहा है आप लोगों का तो इसको आप लोग अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं ठीक है तो इसको आप लोग जरूर अपना ज्वाइन करिए ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके और लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है यहाँ पर ये यह आप लोगों के सामने एस एल जो ऑफिशियल चैनल है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोग जुड़े हुए तो यहाँ से आप लोगों को सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं या फिर जो वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है कब कब क्या क्या आ रही है तो इससे सबसे पहले यहां पर अपडेट होता है इसके बाद में फिर एप्लीकेशन या फिर कहीं जाता है सबसे पहले सारी अपडेट यहां पर आती है तो ये नोटिफिकेशन भी अगर वीडियो का आप लोगों नहीं आता है क्योंकि चैनल के ऊपर में कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जैसे मैंने बताया था अभी चैनल ठीक है एक अभी आप लोगों को स्ट्राइक भी पड़ी हुई है वो भी आप लोगों की चल रही है जो कि द हिंदू न्यूज पेपर ने खुद अपने आप प्रोस रखी है हमारे ऊपर ठीक है चलिए जो भी है वो तो हो जाएगी चीजें आगे चलकर सोल्व पर मुद्दा क्या है मुद्दा यह है कि आप लोग यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है इसको जरूर ज्वाइन करिए आप लोग ठीक है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर अपडेट की जाती है सारी चीजें आप लोगों का टाइम वेस्ट न हो जिससे कि ठीक है 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 कल मुझे जो जो बहुत बड़ा धोखा धोखा मिला और ये जो है मैं हमेशा याद रखूंगा आगे से आप का साथ नहीं देना मुझे चाहे कुछ भी हो जाइए देख लीजिएगा मतलब मैंने कल जो बात बोली वो बकायदा जाकर जो यहां पर कस्टमर केयर टीम है उसको जाकर बोली गई और उसको टाइम भी बताया कि इस टाइम स्टैम्प पर यहां पर वीर सर ने जो है ये बात वीडियो के अंदर बोली है आप चाहो तो जाकर चेक कर लो मतलब ये बाकायदा मैसेज भेजा है मुझे कस्टमर केयर टीम ने कि सर क्या कर रहे हो हमें बता तो दिया करो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर उसमें कस्टमर केयर टीम का कोई मतलब था कि आप लोग ये बताइए आप लोगों ने ई के कोर्स में इनरोल कर रखा है आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कोर्स है वो किसी और आप लोगों के दोस्त को वो कोर्स मिल जाए तो उसमें कस्टमर केयर टीम का क्या रिलेशन रह गया मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था काम करने का एक लूफ होल बताया था तो उसमें आप लोग जाकर उनको बोलोगे कि हम हमारा कोर्स था हमको किसी और को डिस्काउंट दिलाना है क्या कोई कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंसान जो है कोई भी अगर कोई अपना काम कर रहा है वो इस तरीके से आप लोगों को दे देगा कि यार मैंने प्रोडक्ट खरीदा है डिस्काउंट जो है किसी और को दे दो ले जाकर नहीं देगा ना तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया उसको करने का बिना किसी टेंशन के आसानी से काम हो जाएगा मैंने ये बताया आप लोगों ने क्या किया जाकर ये सही तरीका है कि आप अच्छा टीम को ज्यादा प्यार करते हो मुझे ज्यादा प्यार करते हो पहले तो ये बताइए है मैंने बोला कि दो लोग मिलकर चाहो तो क्लासेस ले सकते हो इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग चीजों कर सकते हो तो दो भी मिलकर ले सकते हो ऐसा कौन बताता है आप लोग खुद बताइए ऐसा कौन बताता है कि मैंने यहाँ पे क्लासेस ला रखी है आप लोगों के लिए चाहो तो आप लोग दो दो मिलकर भी क्लासेस ले लो मैंने ईपीएफओ के अंदर भी ये बात आप लोगों को बताई थी मैंने कहा ये नॉर्मली वो इंसान बता रहा है जिसने खुद यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट कर रखी है नुकसान किसका इससे बताइए दो बच्चे कोर्स लेंगे उससे मुझे एक साथ में कोर्स लेंगे तो उसे मुझसे मुझे नुकसान है या फिर आपको नुकसान है या फिर अलग अलग कोर्स लेंगे उससे फायदा किसको होगा आप लोग ये बताइए मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक इंसान है जो फुल पैसे देकर कोर्स लेगा मैं बता रहा हूँ उसको डिस्काउंट कैसे लेना है तो मतलब <laughs> ये गलत तो बात है ना ये मेरी और आपके बीच की बात है इसमें टीम को इंक्लूड नहीं करना था आप लोगों को ठीक है तो वहाँ पर देखो यार टीम है ना उसमें एक एक तो, एक तो तो तरीके से हाँ पर ना कई सारे लोग हैं ठीक है मैं अकेला वहां पर नहीं हूँ बहुत सारे लोग हैं तो डिजन जब लिया जाता है तो एक सहमति से डिजीजन लिया जाता है तो वहाँ पर जो चीजें होती हैं एप्लीकेशन के ऊपर में ठीक है यूट्यूब पर जो चाहूँ मैक्सिमम चीजें मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है पर एप्लीकेशन वो कई सारे लोगों की मिलकर एनर्जी वहां पर लगी हुई है तो तब जाकर वहां पर डिजन ले जाते हैं तो मैं कोई चीज पर्सनली अगर आप लोगों को बोल रहा हूं तो वो पर्सनली रखनी थी ना वहां पर जाकर उसको क्यों बोलना था यार है? गलत बात है नहीं बिल्कुल जो आप लोगों के लिए फैसिलिटी थी उसको एंजॉय कर लो बाकी सारी चीजें छोड़ो साइड में तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा यार समझा करो अपनी आपस की बात है आपस में निपटा लिया करते हैं इन चीजों को मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया आप लोगों को इसको एंजॉय करना था कान खत्म हो गया था इससे टीम का ट्रस्ट डाउन होता है ठीक है कि सर आप तो मतलब <laughs> कई सारे लोग तो कहते हैं हमको जोड़ी को रखा है साथ में जब बच्चों के साथ में रहते हो हर टाइम तो ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलती है फिर आपकी वैसे। गलत बात है ना बिल्कुल तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो एक कई सारे बच्चे बोले कि सर कोर्स जो है क्या अभी भी हम लोग कोर्स का पार्ट बन सकते हैं क्यों कोर्स का पार्ट यार आप लोग देखो यहाँ पर कोई बैचेज नहीं है कि पहले एक बैच आया फिर दूसरा बैच आ गया तीसरा बैच आ गया यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है ठीक है और उस कोर्स में बड़ी तसली से स्टार्ट जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया टीचर और वो एंड तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा सिस्टमेटिक वे में ठीक है तो ये जो कोर्स चल रहा है इस कोर्स में आप लोग जब भी चाहे तभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आप लोगों का मन करे अपने हिसाब से आप लोग शेड्यूल जो है वहां पर देख सकते हैं चाहे तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर चल सकते हैं फिर दो सब्जेक्ट उठा लो जितने टीचर ने पढ़ा दिए पहले अपना एक सब्जेक्ट पहले अपने दो सब्जेक्ट उठा लो दो सब्जेक्ट के लेक्चर कंप्लीट करने स्टार्ट कर दो तो उसको अपने तरीके से आप लोगों के पास में पूरा एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल है क्योंकि आप लोगों के सामने सारे के सारे लेक्चर वहां पर हैं ठीक है

अगर चाहो तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में देख सकते हैं आप लोग इनको या फिर चाहो तो आप लोग इनका मतलब जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप लोग इसको पूरा इसका पार्ट बन सकते हैं डेमो लेक्चर देख सकते हैं ठीक है स्टार्टिंग में तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है तो ये ऐसा नहीं कि बैच आएगा कई सारे बच्चे रेगुलर ये बात करते हैं कि सर नेक्स्ट बैच का कब आएगा नेक्स्ट बैच यार देखो अभी सोचा नहीं है कि नेक्स्ट बैच कोई ऐसा होना चाहिए अभी कोर्स के हिसाब से काम करें ताकि एक ही जगह हंड्रेड परसेंट एफर्ट दिया जाए वरना एक बैच नहीं स्टार्ट हो गया फिर दूसरा बैच स्टार्ट हो गया तो उसमें एफर्ट डाउन हो जाता है और टीचर के पास में टाइम नहीं है अगर टीचर के पास में टाइम होगा हो। टीचर बोलेंगे कि हाँ सर हम लोग अपना हंड्रेड एफर्ट जो है नेक्स्ट बैच में भी कोई लेकर आए तो उसमें दे सकते हैं तो फिर मैं उसको जरूर करूंगा अगर टीचर इसके लिए हम ही भर देंगे क्योंकि हंड्रेड एफर्ट चाहिए मुझे वहां पर चाहे कोई सा भी क्लास क्यों ना हो तो अगर 100% परसेंट एफर्ट मुझे देने के लिए टीचर तैयार हो जाएंगे उनका कितना टाइम है हम लोग मैनेज कर लेंगे सर तो बिल्कुल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे यार तो वो अभी उसके बारे में अभी कोई बात हुई नहीं है पर लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही सिचुएशन यहां पर है कि सिस्टमेटिक लेकर चलेंगे पूरा कोर्स है जिसको हम लोग ढंग से कंप्लीट करेंगे ठीक है और आप लोगों को पता है पहला पहला प्यार तो फर्स्ट बैच उसमें तसली में काम किया जाएगा थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ टाइम पर नहीं मिलती है उसका बस एक रीजन रहता है कि उसको इंग्लिश से ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में ठीक है तो मैं चाहता हूं कि जो पहली बार जो दिक्कत देखने को मिली थी वो दिक्कत नहीं देखने को मिले सिस्टमेटिक में ट्रांसलेशन मिले ताकि अगर आप लोगों के पास में जाए तो उसमें कोई गलतियां ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए बस थोड़ा सा टाइम दे दे करो बाकी तो किसी चीज में आप लोग देख लो आज तक शायद ही कोई ऐसा लेक्चर हुआ होगा कि आप लोग का डिसाइड कर दिया लेक्चर ना हो रेगुलर लेक्चर होते हैं इन केस किसी टीचर ने हालांकि आज तक हुआ नहीं है आज तक मुझे शायद ही कोई याद है किसी टीचर का ऐसा हुआ कि उसका लेक्चर रख दिया उसका लेक्चर नहीं हुआ है अगर हुआ है जैसे एक दिन नहीं हुआ तो उसका मतलब अगले दिन मतलब एक तरीके से ना ऐसा भी था कि लेक्चर होना था तो संडे में लेक्चर रख दिया था उसका फिर यानी कि उस वीक का लेक्चर कंप्लीट हुआ आप लोगों का देख लो यहां पर तो ये चीजें सारी तो यार चीजें आराम से सिस्टमेटिक वे में चलती है तो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश किया करो सारे टीचर है कई सारे टीचर तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो जॉब करते हैं अपनी तो उनको एक बैलेंस बनाकर चलना होता है अपनी लाइफ में भी यहाँ पर ठीक है तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग भी अंडरस्टैंड किया करो वो यूपीएससी क्लियर किए हुए लोग हैं उसमें कुछ तो जो कि उनका भी एक ड्यूरेशन होता है उनको तो चीजों को थोड़ा सा समझा करो आप लोग भी एक सिस्टम चलता है ना उसमें अकेला इंसान काम नहीं करता है उसमें सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ठीक है एक ये ये आर्टिकल आर्टिकल है इस आर्टिकल को देखकर मत बोलना कि सर आज तो सेंटर की बेजेती करने के पीछे लगे हो गए <laughs> कुछ ऐसे ही आर्टिकल आ रखे हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है अभी क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर में कई सारी ऑथोरिटी है कई सारी ऑथोरिटी जैसे कि मैं आप लोग को बताऊ यहाँ पर तो ये सारी की सारी ऑथोरिटी जो है जैसे कि अगर बात करें यहां पर आप लोग सारे के सारे नाम देख सकते हैं ये यह यहाँ पर देखिए एफ एस आई एन टी सी ए डब्लू सी सी बी जेड ये सी जेड ए इनको सबको मर्ज किया जाएगा या फिर इनको सबको एक छत के नीचे लेकर आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन किया कि बिक्री फिर रही है इधर उधर इनको सबको एक जगह लेकर आना है पर लेकिन यहां पर क्या हुआ अभी यहां जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉर्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर यू टर्न मार लिया यानी कि पहले उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ करेंगे अभी उसके ऊपर यू टर्न मार लिया क्यों क्योंकि इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो सरकार का देखने को मिल रहा था आप लोग बोलोगे इसमें क्या गड़बड़ थी अगर ऐसा कुछ हो जाता तो इसमें क्या दिक्कत निकल कर आती तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोग माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई यहाँ पर बेसिकली पहले तो इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है ये यहाँ, तो अच्छा, यहाँ, यह यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे कि ये आप को देखने को मिलेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पर ठीक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी सी तो आप लोग जानते हैं कौन है इसके अध्यक्ष बताना बार बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब से टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसके बारे में यहां पर बेसिकली एक तरीके से क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात करें तो सरकार ने बोला कि सरकार ने क्या बेसिकली एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसने एक नोटिफिकेशन इशू करके बोला कि इनको सबको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एक छत्र छाया के अंदर में इसको लेकर आया जा सके तो जैसे ही ये डिजन यहां पर निकल कर आता है तो इसके लेकर बेसिकली हाहाकार मचना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये बोलना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर जो भी इन्वॉर्मेंटलिस्ट है कि जो जो इनको पावर मिली हुई है इनकी पावर छीनने की कोशिश की जा रही है इनको एक तरीके से निष्क्रिय करने की की कोशिश जा रही रही है है और सरकार चाह कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से काम करें और कई सारे एक्टिविस्ट ने ये बोला कि ये टूथलेस हो जाएगा थोड़ी बहुत पावर जो इनके अंदर है वो पावर भी यहाँ से छीन ली जाएगी क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाई गई थी इनका बेसिक पर्पज अलग अलग था जैसे कि हम लोग बात करें अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में तो इसका क्या काम है आप लोगों को पता है कि ये काम करती है टाइगर प्रोजेक्ट को मैनेज करने का आप लोगों को पता है और देश के अंदर में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको मैनेज करने का तो टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व के बारे में यहां पर ये परिटी काम करती नजर आती है इसी के साथ में अगर बात करें एफ जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है साइंटिफिक बॉडी है जो कि यहां पर डील करती है फॉरेस्ट डेटा के साथ में वो अपना एक अलग काम करती है तो यानी कि एक तरीके से अलग अलग छोर को एक जगह मिलाने की बात की जा रही है ठीक है इसी के साथ में बात करें डब्ल्यू के बारे में जिसको आप लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अलग काम है वो इन्फोर्स करती है जो भी एक्ट है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड ठीक है इसी के साथ में सी जेड ए जो है यहां पर सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या काम करती है वो प्रिव्यू करती है कि जू कैसे फंक्शन कर रहे हैं तो ये तो सबके अलग अलग काम हो गया यार ठीक है एक का काम हो गया भाई साहब तुमको ये एक तरीके से यहां पर देखना है कि लो एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं है एक का काम हो गया कि तुम कल देखिए घर में सारे काम दे देते मम्मी खाना बनाएगी पापा खेतों में जाएंगे बच्चे जो है अपना स्कूल में जाएंगे दादा दादी जो है सब पे नजर रखेंगे कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अब तुम सबको बोल रहे हो कि एक ही एक ही जगह लाकर उनको मर्ज कर दे तो कैसे काम चलेगा तो इस पर कई सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो भड़क गए वो भड़क गए और वो एक तरीके से इसके लिए बेसिकली तैयारी नहीं है कि ये क्या चल रहा है फालतू की बात बोल रहे हैं कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए ना तो यहाँ पर इनको मर्ज करने के लिए सरकार ने क्या तर्क दिए थे सरकार ये बोले थे कि भाई साहब हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं बेसिकली आराम से, तो कुछ कुछ हाँ से चीजें चलेगी तो यहाँ पर जो ये ऑथोरिटी जिस तरीके से काम कर रही है अगर इनको मर्ज किया जाता है तो तब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन होगा ये बोला गया एक तो ये अपनी इंडिपेंडेंस खो देंगी सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकल कर आ रही है अगर ये काम आप लोग कर देते हो तो इनकी आजादी नहीं रहेगी कुछ भी कि एक तो सबसे पहले यहां पर इनकी इंडिपेंडेंस खुजाएगी यहां पर इनकी आजादी नहीं रहेगी पता नहीं है कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है सबसे बड़ी बात तो वही होगा दूसरे यहां पर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंस खत्म हो गई एक तरीके से इंटरफेरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है ये चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं दाब रहा, की खोद कर चला जाता है। और फिर गड्ढा क्यों? भरने का रोड बनाने का काम तो दूसरे डिपार्टमेंट का हमारा काम तो बस खोदने का था <laughs> तो वो सारी घटिया चीजें होती थी जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती थी तो यहाँ पर ये तो हमारा काम नहीं है तो ये है था तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कैसे रहता था यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन यहां पर रहता था अभी क्या किया गया जो खोदेगा वही यहां पर उसको बनाएगा या फिर मिलकर काम करोगे जब खोदने जाओगे तो उस डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर जाओगे जो बनाने वाला है तो ऐसी चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से चल रहे हैं यहां पर अगर इनको मर्ज कर दिया गया तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल डिक्रीज होती नजर आएगी और ये एक तरीके से होना ना होना इनका एक तरीके से आप लोग को बिल्कुल बराबर नजर आएगा तो इस मुद्दे पर जब ह्यूज प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया और जब सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो सामने आ गए उन्होंने सारी बातें रखी पर इतने सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में चल रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट हो गया एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो गया सबकी अपनी अपनी चीजें चल रही हैं अलग अलग सेंसस जनगणना कंडक्ट कराई जाती है तो इतनी सारी चीजें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पर काम कर कर ही तो उसको कंडक्ट करती है कल को तो वो पुलिस वाला काम करना स्टार्ट कर देंगे कि ये मर्डर ये डेड बॉडी मिली है ये मेरे एरिया की ही नहीं है तुम्हारे एरिया की इसको अपना आप देख लो वो आप लोगों ने देखा होगा क्यों क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जब लो एंड ऑर्डर आ रहा है तो वैसा वो अपने हिसाब से सारे काम करते हुए नजर आते हैं कि हमारे एरिया का है नहीं है तो तुम देख लो तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जिसके मुद्दे पर बार बार बात की जाती है तो जरूरी है एक बैलेंस बनाकर चलना ताकि सिस्टेमेटिक वे में चीजों को जो है वो हैंडल किया जा सके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इसको अपोज कर दिया है बेसिकली रद्द कर दिया है कि हाँ जो बोला गया था कि इसको आगे लेकर चलेंगे वो आगे लेकर यहां पर नहीं चल रहे हैं अभी यहां पर यह मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है तो इसके ऊपर यहां पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर यह आर्टिकल छापा गया है तो यहां पर यह भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यूटन हो गया तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं बाकी क्या लगता है जो कास्ट वेस्ट सेंसस वाला आर्टिकल है उसमें क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोज में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा ये आप लोगों को क्या लग रहा है जिसे आप लोगों ने आर्टिकल सुना इसके बारे में आप लोग क्या अपनी कोई राय रह रखना चाहेंगे यहां पर यह बताइए ठीक है हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखिए अगर बात करें ना वो अपनी जगह अपने हिसाब से जिस तरीके से बातें रख रखी है तो वो जो वो भी चाह रही है कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले काम करने का पर लेकिन इलेक्शन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग डायमेंशन में हो जाती है ठीक है तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो ये पूरे आर्टिकल थे जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए होगा तो बताएगा उसको दूर किया जाएगा ओके नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि एक मूवी है जिसका नाम है गुजारिश किस किसने ये मूवी देखी है जिसने देखी है वो यस बोलिए और जिसने नहीं देखी है वो नो बोलिए अब यहाँ पर जिसने नहीं देखी है उसको मैं थोड़ा सा एक इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोग इस आर्टिकल के साथ में कनेक्ट कर सकें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये मूवी है लगभग आई थिंक 2010 में ये रिलीज हुई थी संजय लीला भलसानी भंसाली के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था इस मूवी में एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक मैजिशियन होता है पर लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जो उसको इंजरी होती है वो उसको बिस्तर पर लगा देती है यानी कि वो कभी उठ नहीं पाएगा इस तरीके की इसकी जो स्पाइनल इस कोड में एक इंजरी होती है रीढ़ की हड्डी में इसकी वजह से यहाँ पर ये बिस्तर पर लग जाता है और लगभग ये 12 साल तक ऑलरेडी बिस्तर पर पड़ा रहता है जब 12 साल बिस्तर पर पड़े पड़े हो जाते हैं एक इंसान को वहीं पर उसी पर बिस्तर पर वहीं उसे खलाना फिलाना नहलाना तो इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी से ऊब जाता है तो ये क्या करते हैं यहाँ पर एक नर्स रहती है जिसका नाम रहता है आई थिंक सोफिया रहता है आई ऐसुर राय का नाम जो कि इसकी देख रेख करती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ये उस चीज़ से उप जाता है कॉन्टिन्यूसली उसी प्रोसीजर में चल रहा है कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मर्सी एक तरीके से किलिंग के लिए यहाँ पर ये यह अपील करता है कोर्ट के अंदर में कि मुझे जो है जो है एक तरीके से जो वर्ड यूज़ किया जाता है अगर आप लोग बोलो यहाँ पर उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु यानी कि यूथनीजिया इंग्लिश वर्ड है इसके लिए यूथनीजिया तो उसके ऊपर ये पूरी मूवी टेकी हुई है यानी कि ऐसे केसेस आप लोगों को रियलिटी में भी देखने को मिलेंगे ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर कोर्ट में भी पहुँचे ऐसा होता है मान लीजिए किसी घर में किसी इंसान की एक्सीडेंट होगी बहुत ही खतरनाक वाली और वो इंसान जो है अब वो कोमा में चला गया और कोमा में वो इंसान जो है दो साल चार साल पाँच साल आठ साल दस साल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान वहाँ से रिकवर कैसे करेगा अरे एक ऐसा परिवार है यहाँ पर जिस ये परिवार से आता है इंसान वो बहुत ही एक नॉर्मल सा परिवार है जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता है उसकी रोजी रोटी जो है बड़ी ही एक तरीके से ना एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है वो ये बस कमा लिया और खा लिया वो वाली कंडीशन है क्या ये परिवार इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा जहाँ पर ये इंसान जो है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर या फिर लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है तो कई बार जो परिवार वाले होते हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं एक इंसान का इलाज करवाते करवाते तो यहां पर एक नॉर्मल सी चीज फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पता नहीं लाइफ जो है आगे कैसे चलने वाली है वो अपने बिस्तर से उठेगा भी या नहीं उठेगा उसके चक्कर में एक पूरे परिवार को बेसिकली सड़क पे ला देना वहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं जो वाइफ है उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है वो एक तरीके से मतलब घर की बुरी हालत हो गई यानी कि ये तो मरी रहा है इसके साथ में लगता है कि ये भी सुसाइड कर लेंगे ऐसी कंडीशन हो जाना यहाँ पर तो कई बार जब ऐसे केसेस होते हैं कि जब लगता नहीं है कि इंसान रिकवर कर पाएगा तो यहाँ पर कई बार बात की जाती है इच्छा मृत्यु की जिसको यूथनीजिया बोला जाता है और इसमें भी फिर दो कैटेगरी आ जाती है एक तो होती है एक्टिव यूथनीजिया एक होती है पैसिव यूथनीजिया इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा पर लेकिन यहां पर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग इमोशनल एंगल इसके साथ में टच करोगे तो आप लोग ये बोलोगे अगर घर में भी हम लोग सोचे किसी ऐसे इंसान को जिसको हम लोग जानते हैं कि यार ऐसा किसी के साथ में हुआ अगर तो क्या कंडीशन होगी क्या हम लोग उसको छोड़ देंगे नहीं यार ठीक है अब तो तू उठ नहीं रहा है अब क्या करे बस मतलब कि एक तरीके से मर जाने दो ठीक है ये बात भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे किसी भी घर वाले के उसके चाहे वही घर का नौकरी क्यों ना हो ठीक है चाहे इवन आप लोग नौकर तो बड़ी बात होगी आप लोग ऐसे बोले किसी का पालतू अगर कुत्ता भी है ना डोगी या फिर कैट वगैरह किसी ने पाल रखी है उसको भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान जो है कोशिश करता है कि उसको बचाए रखे तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है पैरल में तो उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि क्या ये सही है यूथनीजिया तो इसके बारे में यहाँ पर काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों से प्रलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है एक्टिव पैसिव पैसिविथनीजिया के बारे में मेन्स आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो अगर मैं आप लोगों से फिलहाल आगे कुछ भी ना एक्सप्लेन करने से पहले ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को क्या लगता है कि इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं तो आप लोग ये या फिर नो में बताइए और फिर आप लोग यहाँ पर पूरा आर्टिकल अब समझ पाएंगे अच्छे से क्योंकि अब आप लोग इसके पीछे की स्टोरी समझ चुके हैं कि होता क्या है ये इतनी ये जीएस पेपर जो फोर है एथिक्स केस स्टडी में भी आप लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये क्या ये सही है या फिर ये गलत है तो यहां पर भी क्यों न्यूज में यहां पर ये यहाँ पर न्यूज में इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि अभी आप लोगों ने यहां पर पिक्चर में देखे अभी इनकी डेथ हो गई और डेथ भी ऐसे नहीं कि अपने आप ही इनकी डेथ हो गई इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है इनकी बेसिकली मृत्यु करने में सपोर्ट मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इंसान मरना चाह रहा है उसको उसको लग लग रहा है लग रहा है है कि जीने से ज्यादा मरना आसान और उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है कई बार दर्द होते हैं कई सारे ऐसी बीमारी होती है जिनमें पेन होता है इंसान कर रहा जाता है अंदर से ऐसा लगता है कि यार उठा ले भगवान बस जैसे भी हो गया वो वाली फीलिंग आप लोगों ने देखी होगी तो उस टाइम पर यहां पर एक सपोर्ट क्या रहती है हाँ� मान लीजिए वो आज की डेट में किस पे बैठा है वेंटिलेटर पर है एक ऐसी चीज पर है लाइफ सपोर्ट पर वो टिका हुआ है तो पैसिव में क्या होता है लाइफ सपोर्ट हटा लो उसकी आराम से जो है आराम आराम से मर जाने दो तरीके से कुछ ऐसी आराम आराम से उसको कुछ नहीं एक तरीके से कुछ मतलब आप लोग वो से कुछ सब्सटेंस दे देना जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाए ठीक है जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा देना कि आराम आराम से ये ऐसा का सोता का सोता ही रह जाए वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ये जो यहां पर सुसाइड वर्ड यूज किया गया है तो यहां पर सुसाइड वर्ड आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेगा क्योंकि जो नॉर्मल सुसाइड होता है वो सुसाइड अलग रहता है जैसे एनसीआरबी का डेटा आप लोगों को मैंने बताया था एनसीआरबी क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि हमारे देश में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्राइम होते हैं जो भी हरकतें होती होती, होती है उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय वो किसके अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो यहां पर अगर बात करें तो अभी 1987 से लेके 2007 तक का तो मोटे मोटे ड्यूरेशन में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर ये पर्टिकुलर जो लगभग तेरह साल जो वो सॉरी बीस साल है जो लगभग ये इन बीस साल में यहां पर यह माना जा रहा है कि हर एक लाख में से लगभग आठ या फिर दस के करीब जो पर, जो यहां पर पर पर्सन जो है इतनों में से यहां पर सुसाइड कर रहे हैं यानी कि सुसाइड का जो रेट है वो एक ये लेवल का देखने को मिल रहा है इस ड्यूरेशन में यानी कि और कहां पर ज्यादा है ये ये सदन और ईस्टर्न रीजन में जो हमारी कंट्री का मैप आप लोग देखोगे एक तो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है यानी कि इस साइड में आप लोग देखोगे और एक ईस्टर्न रीजन में आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा ये वाला वेस्ट साइड हो गया और ये वाला नॉर्थ साइड हो गया तो यहां पर एक तरीके से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग इस पर्टिकुलर रीजन में भी अलग अलग साइड आप लोगों लोगों को 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 देखने मिलेगी सुसाइड सुसाइड करने में कुछ आप विद्यार्थी जो कि सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली किया गया कोविड नाइनटीन के टाइम पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है जॉब आ नहीं रही है माइंड पे इतना प्रेशर है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि इस प्रेशर को टैकल कैसे करना है देखिए सारी चीजें अपनी जगह मोटिवेशन दे दिया वो अपनी जगह ठीक है एक तरीके से एक जो सिचुएशन है वो उसको टैगल करने भी कोशिश की जाती है पर उस टाइम पर भी जब लगा रहता है इंसान लगा रहता है एक साइकिल में फंसा रहता है जब रिजल्ट नहीं आता है ना तब इंसान के माइंड में से थोट आने स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पर कोशिश करो कि किसी ना किसी के साथ में अपने कॉन्टेक्ट ऐसे रखो जिसके साथ में आप लोग अपनी बातें शेयर कर सको जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने में आप लोगों की हेल्प करता है ठीक है जिससे कि आप लोगों के माइंड से वो नेगेटिव थॉट हट जाए क्योंकि उसकी वजह से जो सुसाइड करते हैं यहां पर इतने सारे बच्चे आप लोग खुद सोचिए उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी एक तरीके से जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया उनकी तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनकी तो आशा खत्म हो गई जिंदगी जीने की वो वो वैसे मर जाएंगे भले ही जिंदे हो वो उनका बच्चा अगर मर जाता है तो आप लोग सोचो कि माँ बाप आधी मर जाए आते हैं वैसे अगर वो जिएंगे सत्तर अस्सी नब्बे साल तो समझो कि वो और पांच सात दस साल पहले ही निकल पड़ेंगे यहां पर ठीक है क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है मेरे ताऊजी की डेथ हुई थी मेरे दादाजी लग रहा था कि अभी और भी ज्यादा जिएंगे ठीक है पर लेकिन वो कई बार रोने लगते थे एक तरीके से ये माना जाता है कि बच्चे की जब डेथ होती है ना उससे पहले बाप की डेथ हो जानी चाहिए नॉर्मली ये माना जाता है ठीक है क्योंकि जो बाप अपने बच्चों की डेथ देख ले उससे बड़े दुख की बात कोई होती नहीं है अगर नॉर्मल तरीके से एक इंसान के नाते देखें क्योंकि बाप जो होता है वो एक तरीके से चला गया तो बच्चे फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है जाना एक दिन सबको है पर लेकिन एक बाप जो अपने बच्चों की डेथ देख रहा है वो सबसे गंदी चीज होती है तो कई बार रोने लगते थे वो जो मतलब मुझे अभी याद आता है क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीज शेयर करते थे ठीक है तो कि हाँ कि मतलब एक तरीके से ना तो उनके मन पे कहीं कही ना कहीं बोझ सा हो गया था यार तो फिर मतलब उनकी भी फिर कंडीशन जो है वो सारी ऐसी हुई मतलब कि फिर मतलब जो हुई सारी चीजें तो वो कंडीशन बन जाती है फिर तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन होती है तो सुसाइड कभी भी मत सोचना है यार, आप लोगों के माइंड में कभी आए तो इस चीज को हमेशा दूर रखना अपने से ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग तो सुसाइड कर लोगे पर लेकिन उसके बाद में आप लोग घर वालों के बारे में सोचना एक बार ठीक है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना एक बार कितनी मशक्कत करके कर उन्होंने आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया यहाँ तक आई है जिंदगी तो आगे भी चली जाएगी थोड़ा सा पेशेंस रख लेना बस ठीक है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी हैं आप तो स्टूडेंट हो जो प्रोफेशनल और जो सैलरी वाले है भी हैं आप लोग क्या लग रहा है कि जॉब वाले सुसाइड नहीं करते हैं कि कल को जॉब लग जाएगी तो सुसाइड नहीं करेंगे नहीं होगी वहां पे भी होगी भाई साहब

वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है तो ये बात ध्यान रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो आप लोगों के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी हाँ ठीक है है यार ये टाइम चल रहा अभी निकल जाएगा उसके बाद में फिर अच्छा वक्त आएगा एक सॉन्ग है जो मैं आप लोगों को यहां पर रिकमेंड करना चाहूंगा कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग लो फील कर रहे हैं तो एक लिंगा मूवी का सॉन्ग है रजनीकांत की मूवी है उसमें गाना है दिन डूबा है शाम ढली पर दिन फिर निकलेगा दिल छोटा न कर एक तरीके से ये गाना है कि बन जा मतलब चलते रहो बस आप लोगों का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा वो मैंने कई बार उसको लूप पे लगा के सुना है मैंने गाना वो मतलब अंदर से मोटिवेशन देता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो एक बहुत ही एक आलिशान ज़िंदगी जी रहा था और सड़क पर आ जाता है तो उस टाइम पर ये गाना आता है तो बहुत ही शानदार मुझे लगा लिंगा मूवी का सर्च करिएगा सॉन्ग आप लोगों ने जिसने सुना भी होगा तो आप लोगों ने शायद जानते भी होंगे इसके बारे में तो ये कंडीशन है।, तो है कि वो निकल जाता है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिल सकती है तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को मैनेज कैसे करना है जिस दिन ये चीज आ गई ना जिंदगी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो अभी यहां पर ये इंसान है इनको अभी क्या किया गया इनको असिस्टेड सुसाइड यानी सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया इनको सुसाइड करने में क्योंकि यहां पर इनकी जो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी इसके चलते यहां पर इनकी लाइफ जो है उसको एंड किया गया असिस्टेंस के हाथ से यानी कि किसी ने आकर सपोर्ट प्रोवाइड कराया कई सारी ऐसी कंट्री हैं आज की डेट में जो कि आज की डेट में अगर बात करें असिस्टेड सोसाइड को अलाउ करती हैं यानी कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए इंसान की कि ना तो जी रहा है और ना ही मर रहा है और पेन हो रहा है कर रहा रहा है वो जिंदगी में या फिर काफी ज्यादा बर्डन बन चुका है फैमिली के ऊपर और कुछ रिकवरी के कहीं साधन दिख नहीं रहे तो कई सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया इसी के साथ में कोलंबिया हो गया या फिर आप लोग बात करें और भी कुछ कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है ये असिस्टेड सोसाइड जो हैं वो अलाउ करती हैं यानी कि यूथनीजिया पर लेकिन अंडर सम सरकमस्टेंसेज यानी कि कुछ सिचुएशन में अगर कहीं कुछ ऐसा एक माहौल देखा जाता है ऐसी ज़रूरी है तो ही अलाउ किया जाता है क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं अगर मान लीजिए इन्होंने उसको अलाउ कर दिया और वहां पर उसका नेगेटिव फायदा उठाने लगे किसी इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी है और ठाकर क्या किया उस इंसान को जहर के इंजेक्शन दे दिए और उस इंसान को निपटा दिया और उससे विल लिखवा ली कि ये इंसान ना अपने आप से ही मरना चाह रहा था इसने खुद ने बोला मुझे यूथनीजे दे दो क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना यार ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का ईमान डुला देती है हमेशा इंसान जो है वो एक तरीके से गंदी सोच में पड़ता हुआ नजर आएगा तो इस तरीके से यूथनीजिया का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए यहाँ पर काफी कम ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव यूथनीजिया को अलाउ करते हैं नॉर्मली जो अलाउ किया जाता है वो पैसिव यूथनीजिया को अलाउ किया जाता है यानी कि जो लाइफ सपोर्ट है जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक दीजिए और यहाँ पर तब यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है ठीक है और वो भी यहाँ पर जब कोई भी ऐसा फैमिली फैमिली या फिर कोई पर्सन होगा जो कि उसका जानने वाला है वो यहां पर कंसेंट यहां पर देगा क्योंकि सामने वाला ऐसा इंसान हो चुके है उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है वो तो बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है पिछले पिछले पंद्रह पंद्रह बीस महीने से तो इस टाइम पर यहां पर जो घर वाले हैं वो एक डिसीजन यहां पर लेते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में कई सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं कुछ लोग बोलते हैं सही है कुछ लोग बोलते हैं यहां पर गलत है तो इसी तरीके से यहां पर जो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में है वो और इसी के साथ में जो अपोज में है उनमें कई बार कई सारे एथिकल इशू आ जाते हैं जैसे कि सपोर्ट में अगर बोलता है तो यह बोलता है फ्रीडम ऑफ चॉइस है ठीक है पर लेकिन जो अपोजिट में है वो ये बोलते हैं कि जब इंसान का ये एक तरीके से हाथ में ये नहीं है कि वो किसी को लाइफ दे सके तो किसी की जान कैसे ले सकता है तो डेथ जो है वो भी नेचुरली होनी चाहिए हम लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर ना करें एक इंसान है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए पर लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिल नहीं रही है इंडिविजुअल जो है काफी प्रॉब्लम फील कर रहा है एक पेन में उसकी जिंदगी चल रही है ठीक है तो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको एक डिग्निटी वाली डेथ चाहिए कम से कम इंसान ने कहते कि एक ऐसे तो मरे कम से कम कि हाँ, अच्छे से मर गया शांति में मर गया पर लेकिन वो तड़प तड़प कर मर है आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान को पेन होने लगे तड़प तड़प कर मरने लगे तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोग समझो कैसी होगी तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो यहां पर कई तरह की चीजें निकलकर आती है पेशेंट के बारे में बात की जाती है कि यूथेजिया जो है वो ओनली जो वर्चुअल इफ द पेशेंट इज पर एक तरह से खत्म हो चुका है तब यहां पर ये सारी चीजें अलाउ करनी चाहिए ठीक है तो यहां पर रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करें ये क्या इंसान के नाम पर सही प्रैक्टिस है अगर बात करें इसके लिए कोई रेगुलर होना रेगुलेशन होना चाहिए या फिर यहां पर किसकी हेल्प से आप लोगों को इसको करना चाहिए या किस तरीके से इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सकता है क्योंकि इसके नेगेटिव चांसेस भी देखने को मिलते हैं एक काफी रिसोर्सेज के ऊपर काफी बर्डन यहां पर देखने को मिलते हैं तो उस तरीके से कैसे यहां पर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे फिजिशियन असिस्ट करे सुसाइड करने में या फिर किस तरीके से उसको टर्मिनली इल बीमारी अगर चल रही है तो कैसे उसको लेकर चल रहे हैं तो दोनों तरीके से लोग जो है यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बात करते हुए नजर आएंगे तो ये एक ऐसा डिबेटेबल पॉइंट है जैसे आप लोग देखते नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फांसी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं बहुत सारी कंट्री ऐसी हम लोग फांसी देनी नहीं चाहिए ठीक है बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि फांसी दे देनी चाहिए तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इनके ऊपर काफी लंबे समय से बात चलती हुई आई है और ये रेगुलरली आप लोग ऐसे टॉपिक है जो न्यूज में देखने को मिल जाते हैं तो इसीलिए हमारी कंट्री में जब कोर्ट के अंदर में ये मैटर पहुंचा कि क्या इसको अलाउ करना चाहिए तो बात की गई कि यहाँ पर रिकग्नाइज किया गया कि पैसिव यूथनीजिया को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो लाइफ सपोर्ट पे टिका हुआ है काफी लंबे समय से और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और कोई रिकवरी के चांस भी नहीं है डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पे रहने वाला है तो इसकी वजह से कौन यहाँ पर इसको कर सकते हैं किसकी कंसेंट यानी कि किससे यहाँ पर एक तरीके से नहीं परमिशन लेनी है यहाँ पर कि कौन कर सकता है और कैसे आप लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ये सारी चीजें फोकस यहाँ पर देनी है यानी कि एक पूरा प्रोसीजर समझाया गया है यहाँ पर एक तरीके से ताकि उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके क्योंकि अगर रेगुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो फिर दिक्कत ये देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कई बुरी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है कि प्रॉपर्टी के लिए सामने वाले की जान ले ली तो उस चीज को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्वेश्चन कैसे बन सकता है अगर आप लोगों से यहां पर कोई क्वेश्चन पूछे तो एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि असिस्टेड सुसाइड क्या है ऐसा आप लोगों से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो असिस्टेड सुसाइड एक तरीके की प्रैक्टिस है जहां पर यहां पर जो पर्सन जो कि काफी ज्यादा बीमार है उसको अपनी लाइफ जो है वो यहां पर एंड करनी है ठीक है तो विद एक्टिव असिस्टेंस कोई उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराए उसको ये हेल्प करे यानी कि जैसे कि उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया तो ये कंडीशन है बोला गया है कि कई सारी यूरोपियन कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया साउथ अमेरिका के अंदर में अलाउ करती है यूथ अंडर एनी सरकमस्टेंसेज ये जो एनी है यहाँ पर ये ध्यान से पड़ेगा ठीक है तो ओनली वन ओनली टू बोथ या फिर नन ऑफ द बो सही आंसर क्या है ए बी सी एफ डी तो सही आंसर अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया हाँ पर आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर अगर बात करें इसके बारे में तो इन्होंने क्या बताया अंडर सर्टेन सरकमिस्टेंसिस एनी समी नहीं कि कि किसी भी कंडीशन में उठा के सुसाइड कर दो ऐसा नहीं होगा ठीक है तो कुछ कंडीशन में होगी यहाँ पर तो इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी खेलती है तो आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर ए हो गया ठीक है और यहां से आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को जब मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से आंसर राइटिंग भी बन सकती है और एथिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है बात की जा रही है डोंट यू थिंक ह्यूमन हैव द राइट टू डाई वेन एंड हाउ दे वॉन्ट टू यानी कि डिस्कस करना आप लोगों को कि जब मान लीजिए आज के डेट में डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को जो है इस डेथ इस, इसने अपनी डेथ डिस, डेथ डिसाइड कर ली ठीक है कि इस दिन ये अपना शरीर छोड़ देगा तो उसके बारे में बात की जा रही है तो क्या उसको अधिकार होना चाहिए जैसे आर्टिकल ट्वेंटी अधिकार देता है राइट टू लाइफ का तो यहां पर अगर कोई इंसान मरना चाहता है तो उसका अधिकार यहां पर मिलता है उसको जो बात अब आप लोगों में बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर और ये आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएगी रियलिटी में इंपॉर्टेंट है यार क्योंकि ये एग्जाम के लिए तो अपनी जगह पर लेकिन रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस मुद्दे के ऊपर जब यहां पर एक केस पहुंचा यहां पर नाइनटीन में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी है आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं जी हाँ बिल्कुल सही बात है राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो फिर यहां पर जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसी के अंदर राइट टू डाई भी आना चाहिए क्योंकि उस इंसान की लाइफ है उसको यह अधिकार है कि वो यहां पर अपनी जान भी ले सकता है तो ये उसको अधिकार मिलना चाहिए ठीक है तो यहां पर जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया तो उसने आर्टिकल 21 के तहत में यहां पर यह बोल दिया कि राइट टू लाइफ तो है इसके अंदर में पर राइट टू डाई जो है वो इस आर्टिकल के अंदर में इंक्लूड नहीं है ठीक है तो यहां पर इसको साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में देखने को मिल सकते थे ठीक है तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये याद रखिएगा क्योंकि सुसाइड करना हमारी कंट्री में एक ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत में अगर आप लोग बात करोगे भारतीय दंड संहिता के अंदर में तो इसलिए यहां पर ये इंसान अगर कोई सुसाइड कर लेता है पहले तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, था अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया अब थोड़ा सा यह कि जेल में ना डालकर उसको बोला गया कि डॉक्टर के पास में लेकर जाओ क्योंकि ये मेंटली इल पर्सन है इसको सुसाइड करने की कोशिश जिसने की गई थी तो ऐसे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं अब जब आप लोग केसेस के बारे में पढ़ोगे ना आप लोग इन चीजों को एंजॉय करोगे कैसे कैसे केसेस निकल कर आते हैं और उसमें से फिर जो हमारा कोर्ट है वो कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन देता है यानी कि कैसे समझाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है ये चीज ऐसे है तो कुछ सपोर्ट में कुछ अपोज में तो अच्छे से टॉपिक को समझोगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से ठीक है कैसा लगा टॉपिक फीडबैक जरूर देना लाइक या डिसलाइक कर, कर बता सकते हैं एक सेकेंड आप लोगों को लगेगी इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है टॉपिक या नहीं ठीक है तो फीडबैक जरूर दिया करो ये एक तरीके से एक नहीं वो कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है तो ये फीडबैक भी आप लोग मेरे तक जरूर पहुंचाया करो ठीक है तो कंप्लीट टॉपिक अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए तो नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि क्या चाहिए रोटी कपड़ा और मकान तो यहाँ पर रोटी और कपड़ा तो आप लोग चलो सही है कि हाँ रोटी मिल गया और कपड़ा मिल गया अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये है मकान के ऊपर कैसे है मकान के ऊपर तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे अभी रिसेंटली न्यूज में है यहां पर और ये पूरी एक स्कीम आप लोग की इसके तहत में कवर करूंगा जिसे बात करेंगे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कोई स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है कोई राज्य तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ये अपने ही आप में बहुत बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग स्टेप है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी कि हाँ यार, यार ये स्कीम है इससे आप लोगों को क्या करना है लोगों को पक्का घर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है तो लोगों को पक्का घर प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो है, वो हाँ पर रिलेक्टेंट है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर लेना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जिस साल हम लोग आजादी की पिछहत्तरवीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे यार उस ना कम से कम हमारे लोगों के पास में पक्का घर होना चाहिए किन लोगों की बात की जा रही है वो लोग जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जिनकी जिंदगी की गुजर बसर जो है वो एक सिस्टेमेटिक वे में वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी सरकार सहायता करेगी ताकि वो अपना घर ले सके पर लेकिन अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली सहायता करेगी तो वो सारे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी ताकि यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके तो इसीलिए इस स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है जहां ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखिएगा ठीक है अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या आ गया निकल के वो आ गया कि राज्य और जो यहां पर सेंटर के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो याद रखेगा 60 प्रतिशत तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 40 प्रतिशत राज्य देंगे ये नॉर्मल राज्य में अगर बात करें पर लेकिन अगर हिली रीजन के राज्य हैं जहां पर पहाड़ियां पाए जाती है तो वहां पर ऐसा नहीं कि एक तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती है टूरिज्म के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे या कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलेंगे तो इसलिए वहां पर ज्यादा पैसा कौन देता है सेंटर देता है तो वहां पर नब्बे सेंटर देगा और दस जो है वो स्टेट देगा तो ये जो स्कीम पर निकल कर आती है इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं कि भाई साहब तुम इंप्लीमेंट करो हम तुमको बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अब यहां पर एक बात और ध्यान रखेगा ये जो पर्टिकुलर मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है ग्रामीण मतलब गांव के लिए क्या शहर के लिए अलग से स्कीम लॉन्च कर रखी है जी हाँ इस स्कीम के आप लोगों को दो पहलू देखने को मिलेंगे एक तो ऐसी है जो कि गांव के लिए है जो कि बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं विलेज या फिर आप लोग बोल सकते हैं रूरल एरिया के लिए एक आप लोगों को देखने को मिली शहर यानी कि जो हमारी सिटीज हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पर नजर आएगी ये जो इंप्लीमेंट की जा रही है पेनल्टी ये गांव वाली स्कीम पर इंप्लीमेंट की जा रही है ना कि शहर वाली स्कीम पे तो ये माइंड में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है यानी कि गांव में सरकार को बोला गया आप लोगों को पक्का घर बनाना है और सरकार जो है उसमें काम नहीं कर रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि गांव का डेवलपमेंट देखती है वो वाला मंत्रालय वो यहां पर पेनल्टी लगाएगा अगर कोई इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है मिनिमम साइज रखा गया कि कम से कम 25 स्क्वायर जो मीटर का यहां पर कम से कम आप लोगों ये घर यहां पर प्रोवाइड कराना है ये यहां पर बातें बोलेगी कि इंसान को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो यहां पर पहले सत्तर हजार रुपए देते अब एक लाख रुपए तक का यहां पर बात की गई कि हिली एरिया में इस तरीके से आप लोग प्रोवाइड कराओ यानी कहने का मतलब है कि इंसान अपने घर में रह सके ये इसका टारगेट यहां पर रखा गया तो ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई अभी इसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जा रही है तो इस स्कीम के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं और पेनल्टी क्या क्या थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं ताकि पेनल्टी भी आप लोग कम से कम समझ सके क्योंकि कई बार आप लोगों को जो स्कीम स्कीम न्यूज में रहती है तो बेसिकली स्कीम के बारे में ज्यादा चीजें पूछी जाती है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है और वो इसको इंप्लीमेंट करने में डिले कर रही है तो बोला गया कि दस रुपए पर हाउस के हिसाब से फर्स्ट मंथ में लगेंगे यानी कि पहले महीने में अगर उन्होंने घर नहीं बनाने जितने घर बनाने थे तो एक घर पे दस रुपए लगेंगे अगर उस एरिया में मान लीजिए सो घर बनाने तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि एक हजार रुपए यहां पर उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी पहले महीने के अंदर में ठीक है ये याद रखेगा। फर्दर अगर डिले होता है तो यहां पर ट्वेंटी रुपीज पर हाउस पहुंच जाएगा यहां पर आने वाले महीने में तो इस तरीके से चलता चला जाएगा यानी कि प्रेशर बनता चलाएगा उनको जल्दी से जल्दी चीजें इंप्लीमेंट करनी है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर अपने काम को डिसाइड करते हैं कि ये काम हमको इस टाइम पर कंप्लीट करना है और उस टाइम पर आप लोग उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके सॉरी लिखना है पर लेकिन अभी उसमें एक नई चीज ऐड कर दी कि सॉरी आज आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग वन लिखोगे कल आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग टू लिखोगे परसों काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग थ्री लिखोगे एक बच्चा ये कह रहा है कि सर इससे ना दिमाग पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया है पहले तो सॉरी लिख के हट जाते थे हम पर लेकिन अब लग रहा है कि यार कितना डिले कर रहे हैं हम हमको पता चल रहा है कि हमारा दिमाग हमारे साथ में खेल रहा है तो यही यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहती है कि पहले महीने में दस पर घर के हिसाब से देने दूसरे महीने में बीस रुपए पर घर के हिसाब से देने ताकि परसों जल्दी जल्दी दे। तो डिले दिल, कर दिया, दिया परसों परसो परसो नहीं किया उस टाइम पर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा आप नहीं उस काम को कर रहे हैं तो कोई ना कोई कर रहा होगा ये चीज फील करने की कोशिश करो तो सिलेक्शन किसका होगा उसका होगा कि आपका होगा यही चीज यहां पर समझने वाली है ठीक है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा आसाम ये अभी बहुत पीछे चल रही है इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही है इस स्कीम को तो इसके चलते यहां पर यह स्कीम लाई गई और कुछ ऐसी भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे वेस्ट बंगाल ने क्या किया यहां पर बंगला आवास योजना ला दी चेंज कर कर इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया यहां पर बीजू पक्का घर लेकर आ गए वो ठीक है बीजू पक्का घर तो इस तरीके से उसके अंदर चेंज भी किए गए कई सारी स्कीम के अंदर चलो चेंज करें ना करें वो अपनी बात है पर लेकिन इंप्लीमेंट तो ढंग से करें ना तो उसमें यहां पर ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है तो ये स्कीम याद रखेगा ये स्कीम के टारगेट है कि हम लोग को पक्का घर प्रोवाइड कराना था पर लेकिन वो टारगेट जो है वो पीछे चला गया क्योंकि मार्च आप लोगों से छूट गए यहां पर ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की थी कि लोगों को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है और ये मैंने आप लोगों को दिया नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या फिर किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है तो ये आप लोगों का स्कीम का एक पार्ट हो गया वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आर्टिकल आप लोगों का यहां पर खत्म हो चुका है ठीक है क्योंकि हम लोगों ने बात करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पर लेकिन मैं आप लोग हाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो शहरी वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं क्योंकि वहां से भी आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसके चलते अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो अर्बन वाली स्कीम है वो जो लॉन्च की गई थी वो यहां पर दो में लॉन्च की गई थी अर्बन वाली स्कीम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर में आती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि दोनों के मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो यहां पर उसको इंप्लीमेंट किया था तो मिशन मोड पर टारगेट ये था कि आप लोगों को दो हजार बाईस में सबको जो भी एलिजिबल हैं उनको यहां पर घर प्रोवाइड कराना है खासकर जो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं शहरों में देखिए शहरों में क्यों लाई गई स्कीम आप लोग बोलेंगे शहरों में तो यार सबका अपना घर रहता है शहरों में जहां जहां झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है ना वहां पर काफी दिक्कत निकल कर आती है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेंटल हाउसिंग में रहते हैं यानी कि रेंट के घर पर रहते हैं और लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं कोई पंद्रह साल हो गए कोई बीस साल हो गए ठीक है तो इस तरीके से कहीं इंडस्ट्री सेक्टर बन गया वहां पर माइग्रेंट वर्कर आ गए अर्बन एरिया में रहने के लिए जो कि फैक्ट्री फे, में काम करते हैं तो उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है तो ये इस तरीके की स्कीम यहाँ पर निकल कर आती है तो शहरी और जो गाँव वाली है दोनों स्कीम के बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है और कंप्लीटली कॉमन सेंस के बेस पर है अगर पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बस सुनते हो चीजों को चीजों के बारे में सोचते नहीं हो चीजों के बारे में सोचा करो कि ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है उसके पीछे का रीजन आप लोगों को बता होना चाहिए जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन है ये बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर यह है ग्रामीण रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में आजीविका मिशन की बात की जा रही है लोगों को जो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है नॉर्मल तरीके से अगर समझो तो कॉमन सेंस देखो यूपीएससी कैसे आप लोगों से खेलती है पहली स्टेटमेंट में यह बोला गया है कि बाई सेटिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जो एग्री बिजनेस सेंटर इन द रूरल एरिया तो यहां पर पहली स्टेटमेंट में यह बोला गया है दूसरी स्टेटमेंट में बोला है कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है प्रोवाइड करेंगे स्किल डेवलपमेंट तीसरा बोला गया कि यहां पर सीड फर्टिलाइजर वो सब चीजें प्रोवाइड कराना यहां पर अगर आप लोगों को पहले ही बताओ आप लोग आंसर क्या होगा वीडियो को पोज करके क्योंकि तब मजा आएगा मुझे एक्सप्लेन करने में <laughs> क्योंकि फिर आप लोग समझ पाओगे एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप लोगों ने सही आंसर निकाल दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार बधाइयो पर लेकिन अगर सही आंसर नहीं निकाला है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे माइंड आप लोगों का तैयार करो ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठो ना उस टाइम पर अब आप लोग गलत ना करो ठीक है तो ये मैं चाह रहा हूं इसलिए पहले एक बार अटैम्प्ट कर लो फिर आप लोगों को समझने में भी आसान रहेगी अच्छा ये गलती की हम लोगों ने ठीक है समझ वीडियो को पोज करके अटैम्प्ट कर ले करो ठीक है आंसर बताता हूं मैं आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिलेगी यहां पर बोला गया कि रूरल लाइवलीहुड मिशन में कि गांव में इंडस्ट्री सेटअप करनी है मतलब शहरों में तो हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर नहीं पाए गांव में इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे हम लोग जा जाकर शहरों में प्रॉपर वे में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं आज तक भी हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अपना प्रॉपर वे में सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं हमारी कंट्री में तीन सेक्टर हैं एक को प्राइमरी बोलते हैं दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को टर्सरी हमने प्राइमरी से जो रॉ मेटेरियल है सीधा टर्सरी जो सर्विस सेक्टर पर पहुंच गए और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया इसलिए हमारी कंट्री में लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है ग्रोथ तो आता है निकल कर कि हाँ चल रही है पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से यहां पर जो बात है वो चाइना ने कर दिया तो हमारी कंट्री में यही दिक्कत है सिटीज में हम लोग प्रॉपर वे डेवलप नहीं कर पा रहे गांव वालों में हम लोग डेवलप कर देंगे अगर ये स्टेटमेंट भी आ, अगर आप लोगों ने अकेले पकड़ ना तो आप लोग आंसर जो है इस तरीके से निकाल कर बैठ जाते हैं ठीक है थेके? इसलिए कहता हूं कि कॉमन सेंस आप लोग अच्छे से इस्तेमाल किया करो ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को न देखने को मिले तो ये बेसिक थॉट प्रोसीजर है जो आप लोगों को डेवलप करने और ये एग्जाम आप लोगों को पढ़ाने की पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात है पढ़ने ठीक है एग्जाम क्लियर करने ये सोचने समझने की क्षमता डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोग बढ़ाएगा जो कि आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगा स्कीम एक और तैयार हो जाएगी आप लोग की अगर आप लोग जानना चाहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में तो यहाँ पर ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है ताकि लाइवलीहुड जॉब लोगों को मिल सके तो एक तो स्किल की बात की जा रही है स्किल डेवलपमेंट के बारे में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है और महिला किसान सशक्तिकरण ये परियोजना तो ये तीन चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी तो ये तीनों की तीनों बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है अगर माइंड में क्लैरिटी रहेंगी तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को फिर जो है वो गलत नहीं करोगे एग्जाम में तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझनी है यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज्यादा टफ होते नहीं है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है फिर तो देखो फिर तो हर एक चीज फिर तो फिर तो हर एक चीज में दिक्कत होने वाली है आप लोगों को ठीक है बेसिक समझने की कोशिश करो एनसीआर इसीलिए कहा जाता है कि एनसीआरटी जान है यूपीएससी की अगर उनको ढंग से आप लोग पढ़ लो उनको ढंग से रिवाइज कर लो उनकी बेसिक थ्योरी को आप लोग समझ लो तो फिर ऐसा है कि आप लोगों ने नींव तैयार कर लिया है अब बिल्डिंग खड़ी करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है तो ये काम आप लोग करके देख सकते हैं तो इससे आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएगी जब भी भी आप लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे क्योंकि एनसीआरटी आप लोगों का बेस बना चुकी होगी एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में और यहां पर आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से और फिर आंसर आप लोगों को देना है वीडियो को पोज कर कर एक बार अटेम्प्ट कर लो यार फिर आंसर सुनने में आप लोगों को मजा आएगा ठीक है आंसर अटेम्प्ट कर फिर आंसर देखा करो ठीक है आगे बात करते हैं बात की जा रही है कि यहाँ पर कि एम है प्रोवाइड कराने के लिए सबको पक्का घर 2024 तक ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहां पर और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है तो आंसर ए में बोला गया वन एंड टू बी में बोला गया टू एंड थ्री सी में बोला गया वन एंड थ्री डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो तो आप लोगों को आंसर चूज करना है यहां पर तो क्या होगा आंसर आप लोगों के हिसाब से तो आप लोग बता सकते हैं तो क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए कन्फ्यूजन हो रहा है सही समझ में आ रहा है ठीक है बी है सी है या फिर ए है आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है आंसर है पर ए क्यों क्योंकि इन करेक्ट पूछा गया है 2024 नहीं था यहां पर 22 आप देखने को मिल रहा था, तो ये चीजें आ गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं यहां पर यहां तो पर ए देखने को मिल गया ओके तो इस तरीके से टॉपिक को पढ़ो यहां पर कि सारी चीजें आप लोग कवर हो जाए तो दो स्कीम भी आप लोगों की कवर गई यहां पर इसी के साथ में एक्स्ट्रा चीजें गई बहुत सारी आप की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए और क्या मुद्दा है वो भी आप लोगों को समझा दिया और दो राज्य की जो स्कीम भी मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन सी बताई वेस्ट बंगाल की बताई एक तो जो कि आप लोगों को याद रखनी है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है मैच करने के लिए कि ये कौन से <coughs> राज्य की स्कीम है इतनी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंगला आवास योजना नाम से ही समझ रहे हैं बंगाल की और बीजू पक्का घर उड़ीसा की क्योंकि नाम में स्टार्टिंग में नाम लगा हुआ है ठीक है फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है तो एक सेकंड लगती है फीडबैक देने में तो लाइक या डिसलाइक कर, कर आप लोग बता सकते हो साइंस एंड टेक की बड़ी ही प्यारी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज ये है आप लोगों के सामने जहां पर बात की जा रही है जीपीएस नाविक के बारे में आज की डेट में आप लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक मिनट बोलते हैं कि जीपीएस लगाना कई सारे लोग तो बोलते हैं कि गूगल की बोलने वाली लड़की लगा देना <laughs> जो हमको रास्ता बताएगी बोल बोल कर ठीक है तो ये जो जीपीएस नाविक है बेसिकली ये हमारे देश का सिस्टम है जीपीएस जो है जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है हमारा है नाविक इसको भी बात की जा रही है किसके साथ में आधार के साथ में इनरोल करने की बात की जा रही है इससे क्या होगा इससे जो है चीजें ये होंगी कौन किस सिस्टम को कहां पर यूज करे, कम से कम ऑथेंटिक भी रहेगा और उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा अभी ये डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया ये बात किसके द्वारा बोली गई तो है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा यहां पर बोला गया कि कोऑर्डिनेट किया जाएगा नाविक यानी कि नेविगेशनल जो नेविगेशन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यहां पर उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों का जो इंडिजिनस जीपीएस है हम लोग उसकी कनेक्शन जो है आधार के इनरोलमेंट के साथ में कर रहे हैं ठीक है इसमें टोटल मिलाकर सात सेटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये बिल्कुल अमेरिकन का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में सर्विस प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा ठीक है तो यहां पर ये सिविलियन जो यूज के लिए हम लोग इसको अगर ढंग से एक बार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो जीपीएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी और इसी के साथ में मिलिट्री पर्पज के लिए तो तो हम लोग इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे करेंगे तो नाविक जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि कितने एरिया को कवर करता है तो याद रखना पंद्रह किलोमीटर एरिया या फिर उसके आसपास वाले एरिया को ये हमारे देश की बाउंड्री को बहुत ही अच्छे से कवर करता है और हम लोगों ने जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन है जिसको सात कंट्री बोलते हैं उसको भी बोला था कि भाई साहब नया नया हमारा प्रोडक्ट आया मार्केट में तो तुम चाहो तो इसका पार्ट बन सकते हो पर लेकिन उनमें से पाकिस्तान ने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए और वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है आप लोगों को पता है है ठीक है? तो नाविक जो है उसकी जो है है यूटिलिटी नॉर्मली डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है ये काफी अच्छे से यहाँ पर जो खासकर जो कैलेमिटी होती है उनमें इसका इस्तेमाल होता पाया जाता है ठीक है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है जैसा यूएसए का जीपीएस है हमारा नाविक है ऐसे ही चाइना का क्या है और जापान का क्या है इनके नाम बताइए अगर है तो कोई ठीक है तो देखता हूं आप में से कौन बताया चाइना का बताना है यहां पर ठीक है तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर यहां पर देता है तो ये जरूरी है यूरोपियन यूनियन का भी है यहां पर तो बताना जरूर स्पेस एजेंसी के नाम भी आप लोग यहां पर बता सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर हमारे देश की सरकार ने यहां पर कोलोनियल टाइम के जो कानून थे उनको उठाकर साइड में रख दिया यहां पर जिसके बारे में यहां पर मैंने आप लोगों को हल्का सा आइडिया दिया है यहां पर अभी यहां पर इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं ठीक है जिससे कि सारे कंफ्यूजन आप लोग के माइंड से जो है दूर हो जाएंगे इंडियन पिनल कोड के बारे में यहां पर क्रिमिनल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके बारे में एविडेंस एक्ट है इसके बारे में तो काफी तसली में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी बातें आप लोगों को मैं समझाऊंगा अभी यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है कुछ कुछ की क्या क्या चीजें यहां पर ये आप लोगों के लिए पीबीटी में डाल दिया गया पर लेकिन कल कल मतलब एक तरीके से कल देख लेंगे मतलब कल नहीं तो या फिर संडे में मैं इसको बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करने वाला वालों सैटरडे या संडे में देख लूंगा जब भी टाइम मिलेगा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है अभी के लिए यहां पर डाल दिए कुछ चीजें ताकि अगर आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को ये ना लगे कि यार टॉपिक नहीं हुआ है तो बाकी तसली में इसको बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज है और कई बार कई सारे डीजन ऐसे रहते हैं जो रियलिटी में टफ रहते हैं और वो हमको लेने पड़ते हैं तो यहां पर इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा यहां पर अभी मुद्दा क्या है म्यांमार के अंदर में बेसिकली मिलिट्री रूल चल रहा है आंग सांग सुई की की, की गवर्नमेंट वहां पर चुनकर आई थी इलेक्शन हुए थे पर लेकिन मिलिट्री हमेशा वहां से एक तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है सोचो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में मिलिट्री बोलने लगे कि दो मिनिस्ट्री हमारे पास में रहेगी एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरी होम मिनिस्ट्री यानी कि मिलिट्री के अंडर में काम करने लगे ठीक है जो मिलिट्री चीफ है वो इनको हैंडल करने लगे अपने हिसाब से तो कैसा रहेगा तो डेमोक्रेसी की जो है एक तरीके से खिल्लियां उड़ती हुई नजर में आएगी ऐसा ही म्यांमार में देखने को मिलते हैं म्यांमार के अंदर में जो मिलिट्री है वो नॉर्मली यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो एक प्रतिकल पॉलिटिकल सिस्टम की तरीके से काम करती है तो आंग सांग की ने आराम आराम से यहां पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी पर लेकिन मिलिट्री को लगने लगा यार, हमारे हाथ से तो पावर छीनती जा रही है हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी तो जो भी मिलिट्री का रूलर आता है यहाँ पर उसको लगता है कि तुम्हारे हाथ में पावर होनी चाहिए तो उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को खासकर जिसकी लीडर थी यहाँ पर एक नोबेल प्राइज विनर उनको उठाकर जेल में डाल दिया और अभी यहां पर काफी लंबे समय से ये ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था अभी यहां पर थोड़ी सी ढील देने की बात की गई जबकि थर्टी परसेंट ओनली इनको सपोर्ट करते हैं वन बाई थर्ड पर ये पूरे देश को कंट्रोल किए बैठे हैं इन्होंने बोला कि अब उनका सेंटेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है और उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है यहां पर तो क्या ये डेमोक्रेसी है मतलब डेमोक्रेसी तो फिर भी नहीं है यार यहां पर ये एक तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप लोग यहां पर इस तरीके से एक लेकर आप लोग चल रहे हो ठीक है इसी के पास साथ में यहाँ पर तत्मदेव तो ये बेसिकली म्यांमार मिलिट्री जो है उसका कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही थी उसकी फिर से संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई थी अब हमारे लिए क्या यहाँ पर बेसिकली दिक्कत बनती है देखो म्यांमार जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों

तो हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम लोग कैसे चीजों को लेकर चलेंगे तो इसलिए हम चाहकर भी म्यांमार के अंदर में मिलिट्री रूल कर, चला हुआ है फिर भी हम लोग चाहकर भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ताक पर लग जाती है इसके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हम लोगों को क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हारे देश के पड़ोस में डेमोक्रेसी नहीं है और तुम उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं हो हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं हम लोग जितना बोलेंगे चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा हमारे लिए खतरा क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा तो हमारे लिए यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक सिस्टमेटिक वे में पड़ोसी के रिलेशन भी बने रहे और जो जनता यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रही है उनके लिए कुछ सोल्यूशन भी लेकर आया जा सके तो हम लोग कई बार ऐसी दूसरी साइड में खाइए जाए तो जाए कहां तो वहां तो पर सबसे बड़ी बात होती है कि बैलेंस बनाकर ही निकल जाए आराम से वही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी देश के अंदर में अभी बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया जिसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चल रहा है काफी लार्ज स्केल पर और यह क्या है कि एजुकेशन को फिर से स्टेट लिस्ट के अंदर में लेकर आया जाए मतलब हमारे देश के अंदर में फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था नाइनटीन में और इससे पहले एजुकेशन जो थी वो स्टेट लिस्ट में ही हुआ करती थी हमारे संविधान के अंदर में सातवें शेड्यूल में तीन लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं जिसमें हमारी जो है यूनियन गवर्नमेंट काम करती है दूसरे को स्टेट लिस्ट बोलते हैं जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची बोलते हैं जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कानून बनाती है तो वो प्रिवेल करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसका मतलब क्या है जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन हो हाँ गए कई सारी यहां पर एग्रीकल्चर वगैरह जैसी चीजें आ गई और भी लो एंड ऑर्डर की बातें करते हैं कौन करेंट में मिलकर काम किया था जैसे एजुकेशन हो गया इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं तो यहां पर यह बोला गया कि एजुकेशन को इसमें से निकाल कर फिर से स्टेट लिस्ट के अंदर में लेकर आना चाहिए रीजन क्या है ट जैसे जो प्रोग्राम है यहां पर अभी उसके ऊपर कई सारे डिबेट डिस्कशन किए जा रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है इसी के साथ में इसको पहले जो है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोला जाता था इसको लेकर काफी ज्यादा मुद्दा हुआ अब इसको नेशनल टेस्टिंग ऑथोरिटी कंडक्ट कराती है तो स्टेट के अंदर में जो ऑथोरिटी थी वो कहीं ना कहीं छिन गई है स्टेट के हाथ में जो मेडिकल पावर थी वो छिन गई है इसको लेकर स्टेट इस जो है बार बार ऐसी बातें बोलती है ठीक है इसके बारे में बात कियाते हैं संविधान के अंदर में आर्टिकल 131 ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड कराता है एक्सक्लूसिव जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कर बात करें तो मैटर जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में यहां पर देखने की बात करते हैं तो यहां पर ये बेसिकली यहां पर ये जुडिशन है आर्टिकल थ्री का ठीक है आर्टिकल दो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपार करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि पास कर सके लेजिस्लेशन विच एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो लिस्ट में जो नेगलेक्ट है द्वारा किया जा रहा ठीक है यानी कि वो बना सकता है उसके ऊपर कानून इसी के साथ में स्टेट लेजिस्लेशन जो है पास कर सकते है, 254 के हिसाब से एसेंट दिया जाएगा प्रेजिडेंट के द्वारा यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मिलकर काम करने वाली बात भी देखने को मिलती है अगर कॉन्क्रेन लिस्ट के बारे में बात करते हैं स्टेट लिस्ट में अपने अपने कानून ये बनाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये सिस्टम इन आर्टिकल में समझाने की कोशिश भी की गई है संविधान के द्वारा भी ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन में एक बैलेंस बना रहे उनके सींग लड़ते हुए नजर न आए ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक यहां पर मुद्दा है ठीक है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहां पर कंसिडर करना है यहां पर बेसिकली स्टेटमेंट आप लोगों के सामने कि यहां पर बात की जा रही है नाविक के बारे में तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस फॉर द सिविलियन और रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए बात की जा रही है तो यहां पर इसका एप्लीकेशन होता है हमारे नाविक सिस्टम का और इसका कवरेज एरिया जो है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर आप लोग 1500 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली वन ओनली टू बोथ या फिर नाइदर वन नो टू तो यहाँ पर अभी समझा आप लोगों को दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये टॉपिक अभी तसल नहीं पढ़ाया ये जो आर्टिकल है क्योंकि न्यूज में आगे फिलहाल तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है आर्टिकल थर्टी क्या बोलता है आर्टिकल टू बोलता है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू ये इसके बारे में अगर पूछे तो यहां पर नाइदर वन नो टू क्योंकि अपोज कर देगा आर्टिकल one, three, one, अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो ओरिजिनल जो जो है है यहां पर एक एक्सक्लूसिव वो सुप्रीम कोर्ट के पास में कि इनके बीच के मुद्दे को यहां पर सुलझाया जाए, जाए तो ये आर्टिकल आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और फिर चीजें जो है वो कंफ्यूजन में आ जाएंगी ठीक है बाकी सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर जो है आप लोगों को यहां पर डी देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको इंजॉय आप लोग कर सकते हैं कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग मन में नहीं होना चाहिए आज का जो आप लोग है तो मध्य प्रदेश के अंदर में बेसिकली ये भोजस्तल जिसको अपर लेक बोलते हैं और यहां पर इसी के साथ में लोअर लेक आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर नजर आता है तो ये काफी इंपोर्टेंट है और सबसे इंपोर्टेंट बात जो रहती है यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया दो दो में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर इसी के साथ में कोलनाज जो यहां पर आप लोगों को बेसिकली जिसको रिवर है ट्रिब्यूटरी है बेसिकली यहां पर हलाली रिवर की तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड डैम भी है यहाँ पर तो ये जिससे रिलेटेड कोई रिवर होती है तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है तो अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करे तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग देखते हैं अगर आप लोग स्टेट से आते हैं सेम से जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है तो स्टेट पीसीएस के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए ठीक है आइए कुछ सब सिखाता हूं आप लोगों को जो कि आप लोग इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे सेंटेंस फॉर्म किया करो कई सारे बच्चे रेगुलर सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है पहला शब्द है पर स्ट्राइव स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना यानी कि लगे रहना भाई साहब हार नहीं मानेंगे ठीक है तो एफर्ट करना अपनी चीज को अचीव करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर एपेटाइट आप लोगों ने सुना कि आपकी एपेटाइट क्या है तो एक तरीके से भूख कितनी है ठीक है तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है ठीक है Imbisical का मतलब होता है मूर्ख इंसान मूर्ख व्यक्ति स्टूपिड स्टूपिड बोलते हैं कि इंसान है ठीक है प्रोवेटी का मतलब होता है ईमानदारी कि भाई साहब ईमानदार इंसान है सारे काम को ईमानदारी से करता है और करप्शन को जो है साइड में उठाड़ कर फेंक देता है ये। इसी के साथ में परटेंट का मतलब होता है संबंधित किसी चीज के साथ में रिलेटेड तो ये शब्द है जिनके ऊपर सेंटेंस तो फॉर्म कर ही सकते हैं दूसरा तरीका ये होता है कि रेगुलर आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो इससे आप लोग चीजों को रिश्ते अंडरस्टैंड कर पाओगे और कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो ये आप लोग यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर राइटिंग और जो नोट्स वाला ग्रुप है वो कैसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एक वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी हुई है और इस वीडियो को आप लोग देख भी सकते हैं तो आप लोग वहां पर जाकर डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं तो बड़ा ही आसान सा तरीका है और उसका जो एक्सीज है वो आप लोगों के पास में जो है लाइफ टाइम है ऐसा नहीं है कि लिमिटेड कोई एक्सीज है तो उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ठीक है बाकी क्लासेज जो हैं वो अच्छे से चल रहे हैं उनको आप लोग इंजॉय करते रहिए कोई भी दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए उसको दूर किया जाएगा और अच्छे से चीज़ों को एन्जॉय करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है फीडबैक जरूर दिया करो चाहे यहाँ पर आप लोग की बात करें रिव्यू की चाहे वीडियो के नीचे इससे सपोर्ट मिलता है और समझ में आता है कि चीजें सही चल रही हैं या फिर गलत तो 3.9 का ये फीडबैक ये वास्तव में बताता है कि यार मतलब 3.9 बोलो 4.9 ठीक है तो ये बहुत ही बड़ी बात है यार मेरे लिए तो इसके लिए थैंक्स लोट तो इसीलिए यहां पर टीम को अप्रिशिएट करते रहिए और अच्छे से अपनी चीज़ों को एंजॉय करते रहिए ठीक है बाकी ये वीडियो देख लीजिए जिसको ज्वाइन करना है तो आप लोग देख सकते हैं हेलो एस यूजर्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है हमें इसको टैप करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज है वो होता है फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज करना है ठीक है और उसके बाद परचेज करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खोल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है ओके थैंक यू